हेलो एवरीबॉडी, मैं शादिक हुसैन। ये HTML का ट्यूटोरियल चल रहा है, इसमें मैं आज आपको HTML फॉर्म बताऊंगा। HTML फॉर्म की मदद से आप वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा को टाइप करके कहीं भेज सकते हो। पूरी डेटा का, बहुत सारे डेटा को एक साथ भेज सकते हो, एक फॉर्म की तरह। जैसे कि आपके ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होती है, ये सब HTML के फॉर्म से बना होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसको सिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाते हैं। ये पुराना प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी में मैं इसको कोड कर देता हूँ। नोटपैड पे मैंने खोल दिया इसको, और ये देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि फॉर्म को शुरू करने के लिए आपको फॉर्म का टैग शुरू करना पड़ेगा। फॉर्म का टैग यूज़ करने के बाद आपको फॉर्म का बंद करके फिर से उसका एंडिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, जहाँ से जहाँ तक काम करेंगे। और उसके बीच में मैं सारा फॉर्म का काम करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म के इनपुट कितने होते हैं। फॉर्म के इनपुट सबसे पहला नंबर होता है आपका टेक्स्ट, उसके बाद आपको ईमेल, पासवर्ड, इस तरीके से अलग अलग इनपुट के टाइप होते हैं। मैं एक एक करके सारा को यूज़ करूँगा और आप बखूबी उसको समझ सकते हैं। देखिए, इनपुट टाइप टॉल कंडीशन में टेक्स्ट, ठीक है। और ऐसा करने टेक्स्ट के बाद अब मैं लगाता हूँ, ये एट्रीब्यूट है इनपुट का टाइप। ये एट्रीब्यूट टाइप के इनपुट के टाइप के बिहेवियर में चेंजेस करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक एट्रीब्यूट टैग के बिहेवियर में चेंजेस करता है। अब प्लेस होल्डर नाम डालने से एट्रीब्यूट है, ये डालने से उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन आप बता सकते हैं कि इंटर योर नेम हेयर, ऐसा लिखने से वो इनपुट पे लिख कर आएगा। तो वो टेम्पोरी बेसिस पे होगा, जब तक खाली रहेगा तभी तक दिखेगा, और खाली जैसे ख़त्म हो जाएगा वैसे नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो प्रोजेक्ट को क्रोम पे खोल कर दिखाता हूँ। ये देखो, आप क्रोम पे प्रोजेक्ट को कि एक फील्ड आ रहा है जिसमें आप आराम से कुछ भी टाइप कर सकते हो और उसको मिटा भी सकते हो। कुछ भी टाइप कर लो आप, इंडिया एवरीथिंग, ये इस तरीके से आप कुछ भी लिखवा मिटाते जाओ। इस तरीके से आप जैसे देखो, कुछ भी लिख देते तो वो मिट जाता है, और कुछ नहीं रहता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो प्लेस होल्डर में मैंने डाला था वो दिख रहा है। ऐसा करने से आपको इंस्ट्रक्शन यूज़र को मिल जाता है कि इसमें फील्ड में क्या डालना है। तो इसके बाद मैं दूसरा फील्ड बताता हूँ आपको। इनपुट टैग सेम होता है, सिर्फ इनपुट के टाइप अलग हो जाते हैं। इनपुट टाइप अभी मैं यूज़ करूँगा ईमेल। ईमेल जो है ये दूसरा टाइप है प्लेस होल्डर का। इसमें आप जब भी आप चाहते हो कि मैं ईमेल को फील करूं, जैसे कि कहीं पे फॉर्म में ईमेल को इंसर्ट करने की बात आती है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें एक वैलिडेशन क्रिएट हो जाता है कि एट द रेट के बिना ये नहीं जाएगा, एट द रेट के बिना कोई ईमेल आईडी नहीं होता है। इंटर योर ईमेल हेयर, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया और ये इनपुट बंद कर दिया मैंने। अब अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट बगल में एक ईमेल आ रहा है। इसको मैं डेटा डाल के इसमें कुछ लिख कर एंटर मारूंगा तो नहीं जाएगा, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक वैसे ही उस तरीके से नीचे मैं तीसरा इनपुट बना रहा हूँ। ये इनपुट टाइप मैं रेडियो बनाता हूँ। रेडियो एक बटन होता है जिसको सिलेक्शन कहते हैं, सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे कि सब मान लो आप मेल और फीमेल, ये दो ऑप्शंस होते हैं, उसको कोई किसी एक में टिक करना होता है। तो ऐसा करने के लिए आपको रेडियो डिफाइन करना होता है। रेडियो में अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन ना हो, मतलब बहुत दो तीन एक से ज़्यादा कोई सिलेक्ट ना हो, कोई एक ही सिलेक्ट हो, चार ऑप्शन में कोई एक ही सिलेक्ट हो, दो ऑप्शन में कोई एक ही सिलेक्ट हो, इस तरीके से करने के लिए आपको दोनों के दोनों इनपुट में आपको एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ जेंडर, ऐसा जेंडर मैं नाम रख रहा हूँ। ये जेंडर का नाम रखने का मतलब ये है, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये आगे मैं मेल लिख देता हूँ, मेल का जेंडर, और इसी तरीके से दूसरा होता है फीमेल। तो फीमेल के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, फीमेल, ये एम छोटा हो जाएगा। फीमेल इनपुट टाइप रेडियो सेम होगा, और ये जेंडर भी दोनों का नेम
सेम होगा तभी मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन में सिंगल सिलेक्शन हो सकता है काफ़ी आसानी तरीके से। तो ऐसा करने से आप अपने फॉर्म में जेंडर जैसा सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं प्रोजेक्ट दिखाऊँ आपको, उस प्रोजेक्ट पे आपको दिखेगा कि फेल मेल आ रहा है फीमेल आ रहा है, कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है, दो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। ये काम रेडियो बटन से बहुत अच्छे से होता है। रेडियो बटन इनपुट टाइप का एक वैल्यू है, एक तरीका है इनपुट का। और फिर मैं अगर बात करूँ मल्टीपल सिलेक्शन की, मतलब पांच ऑप्शन में चार ऑप्शन पांच ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा करने के लिए आपको मैं एक BR यानी कि ब्रेक का टैग लगा रहा हूँ ताकि वो कट के नीचे आ जाए, टूट के नीचे आ जाए, ब्रेक हो जाए, वो उसके एक लाइन छोड़कर मैं नीचे आ जाऊँ और वहाँ पे मेरा सारा इनपुट दिखे। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे इनपुट इनपुट से पहले मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे काम करेंगे। जैसे मान लो कि एक ऑफ फर्स्ट एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, और उसको मैं इनपुट टाइप में चेक बॉक्स कर रहा हूँ, चेक बॉक्स, और मैं इसका कुछ भी वैल्यू वगैरह नहीं होता है। तो ऐसा करके मैं इसका डुप्लीकेट बनाकर दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ, तीसरी लाइन में भी वही करूँगा, चार ऑप्शंस के मैं बनाऊँगा। ये देखो आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा ये चार ऑप्शन में मैंने बताया है। इसका नाम दो रख देते हैं, इसका नाम तीन रख देते हैं, इसका नाम चार रख देते हैं। ये चार ऑप्शंस के मैंने बनाए हैं। अगर आप देखेंगे इस पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये चार ऑप्शन, आप चारों में चारों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स का कमाल है, और ऐसा करने से आप फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स को मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल सिलेक्शन, लेकिन रेडियो में मल्टीपल ऑप्शन में सिंगल सिलेक्शन है। अब आप मैं आपको BR का टैग लगाकर मैं आपको इनपुट के दूसरे टाइप को बताता हूँ। इनपुट का टाइप अगर आपका ये हो जाए, इनपुट टाइप पासवर्ड हो जाए, तो पासवर्ड भी आप इनपुट टाइप पासवर्ड पासवर्ड लिखने से क्या होगा कि इसमें प्लेस होल्डर भी मैं डाल दूँ, प्लेस होल्डर, इसमें यूज़र को इंस्ट्रक्शन मिलेगा प्लेस होल्डर से, इंटर पासवर्ड हेयर, यूज़र इंस्ट्रक्शन देख लेगा तो आराम से इजीली वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप मैं देखो तो ये मैं पासवर्ड को का जो कॉलम है इसमें कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं तो आपको वो पासवर्ड स्टार में नज़र आता है। देखो आप स्टार में नज़र आता है, बिल्कुल ये स्टार में नज़र आने का मतलब है कि ये पासवर्ड हिडन हो जाता है और इसकी सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। इसलिए इनपुट टाइप एक पासवर्ड है जिससे कि आप इनपुट पासवर्ड कर सकते हो। आप फेसबुक भी खोलते हो, जीमेल, याहू, कुछ भी आप खोलते हो, उसमें पासवर्ड का सेक्शन ऐसे ही दिखता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबमिट का बटन, जिस बटन को दबाने से ये इसके अंदर जो फील्ड डेटा होगा उसको भेजा जा सकता है कहीं भी। तो इनपुट इनपुट इसका टाइप सबमिट होता है, सबमिट होता है, सबमिट का वैल्यू होता है, बटन के वैल्यू होते हैं, बटन के वैल्यू यानी बटन के नाम लिखने होते हैं। जैसे मान लो इस बटन का नाम मुझे सेंड रखना है तो मैं सेंड रख दिया, और ये देखो अगर आप दिखेगा कि यहाँ पे सेंड बटन का नाम, तो सारा डेटा फिल कर लो और सबमिट सेंड करो तो जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ चला जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से एक और इनपुट होता है, अगर आप चाहते हो कि पूरा फॉर्म मैं टाइप करके पूरा एक ही क्लिक में मैं सबको खाली कर दूँ, तो इसके लिए रीसेट का एक इनपुट टाइप है, रीसेट, इसकी भी वैल्यू होती है। और इस वैल्यू में जैसे मान लो मैं इसका नाम क्लियर लिख लूँ, क्लियर लिख कर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखो अगर आप कोई डेटा में कुछ सिलेक्ट कर लिए हो या कुछ टाइप कर लिए हो, रॉक ईमेल आईडी shadiq@gmail मान लो, और ये मेल सेलेक्ट कर लिए हो, यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर लिए हो, अगर ऐसा कर लियो तो आपको पूरा खाली करने के लिए क्लियर करना पड़ेगा और भेजने के लिए सेंड करना पड़ेगा। ये दोनों फंक्शन मैंने इसमें बना दिया है जिससे कि आप आसानी से, तो फॉर्म के अंदर का जो बेसिक कोड्स हैं वो आप सीख चुके हो। आगे मैं आपको ड्रॉप टेक्स्ट एरिया के बारे में बताऊंगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में बताऊंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, और मल्टीपल सिलेक्शन की भी बात करूंगा। फॉर्म के अंदर जितनी चीज़ें बची हैं वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के वीडियो में मैं आपको भेजूंगा, सेंड कर दूंगा। ये आप यूट्यूब पे उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो, और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक्स कीजिए, रिकमेंड कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।